इसी तरह से अगर आप बात करो 3.5 की, तो 3.5 का भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पास पेपर में अलग से आया हुआ हो। हाँ, मैं ये बात कह सकता हूँ कि 3.5 के कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं कि जिसमें एग्जैक्ट इक्वेशन वही है, आंसर भी एग्जैक्ट सेम है, बस उन्होंने वेरिएबल्स चेंज किए हैं। जो वेरिएबल्स वहां पे मौजूद है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ क्वेश्चन की, अगर आप 3.5 निकालो तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस पूरी इक्वेशन में क्या आया हुआ है, तो पेपर में भी आपके पास एम आ जाए, ए आ जाए, इक्वेशन पूरी यही होती है। अगर चेंज भी हो जाए तो इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं, अगर चेंज होगी तो मैं करवा देता, लेकिन चेंज है ही नहीं यहां पे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 बड़ा मुश्किल है, लेकिन एग्जैक्ट यही पूरी इक्वेशन थी, कोई चेंजिंग नहीं की थी उन्होंने, और यहां पे था एबीसी, पास पेपर में आया था पी क्यू आर, यहां पे जो ए जहां जहां पे आ रहा है वहां पे पी आ रहा होगा, जहां पे बी आ रहा है वहां पे क्यू, जहां पे सी आ रहा है वहां पे आर। तो अगर ये वैल्यू चेंज करें तो कोई मेथड कोई कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर इनफैक्ट आपकी इक्वेशन चेंज भी कर दें फिर भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, जो मेथड मैंने आप लोगों से डिस्कस किए वो आप कर लेना। बाहर मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो मैं आप लोगों को यहां पे करवाऊं जो बुक से हट के आ रहा हूं। 3.6 में आ जाओ, 3.6 के जो ज्यादातर सवाल जो चेंज, वो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसके पार्ट जो है वो डिफरेंट आते हैं एग्जाम में, और एक है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें एक आया हुआ था, वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूं। ठीक है, वो है क्वेश्चन नंबर 3.6, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको मिल जाएगा पास पेपर में, उसका एक क्वेश्चन आया था वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, और वो क्वेश्चन कहां पे है, मिल गया मुझे, वो आपको मिल जाएगा 2010 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट नंबर 2 जो है वो मिल जाएगा। एग्जैक्ट वही काम करना है जो आपने 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, लेकिन उसमें जो पार्ट है वो डिफरेंट है। सवाल है एफ एन बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, बुक में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ए बी सी की फॉर्म में, यहां पे पी क्यू आर की फॉर्म में, और फाइंड करनी है आपको वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के चार पार्ट है, उसमें से ये मौजूद नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं किस तरह करना है। तो स्टार्ट करते हैं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। दो चीजें निकालो, सबसे पहले सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला, अच्छा पहले आप लिख लो ए बी सी यहां पे क्या है, ए यहां पे पी है, बी यहां पे क्यू है, सी यहां पे आर है। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है क्यू, ए यहां पे है पी, तो सम ऑफ रूट आगे माइनस क्यू अपॉन पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी यहां पे आर है, ए यहां पे पी है। तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गए। अब आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की, तो जरा देखते हैं कि आप किस तरह निकालोगे। ये तो आपने शुरू की थोड़ी तमहीर बांध ली, बेसिक जो आप काम करते थे वो कर दिया। सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की। किस तरह वैल्यू आएगी, इस पे आप फॉर्मूला लगा दो जो आपने अभी पढ़ा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो था वो अप्लाई कर दो इसके ऊपर। तो फॉर्मूला क्या होता है, मेंशन करना चाहो तो कर लो, वरना कैसे जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि खुद ही फॉर्मूला है, बस नाम चेंज है, ए बी यहां पे अल्फा बीटा है, तो मेंशन ना करो तो बेहतर है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन चाहो तो कर दो, कोई जरूरत यहां पे आपकी मर्जी है। उसके बाद यहां पे अगर आप देखो, आपकी कोशिश ये होती थी कि आपकी इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा हो या अल्फा बीटा हो, ठीक है, दो चीजें होनी चाहिए क्योंकि इनकी वैल्यूज आपको पता है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, लेकिन यहां पे आपको किसी चीज की वैल्यू नहीं पता, तो अब यहां पे आप क्या काम करोगे जरा वो देख लेते हैं। इस अल्फा प्लस बीटा को अपनी जगह पर रहने दो, यहां पे आपको चेंजिंग करनी है, और यहां पे फिलहाल स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। चेंजिंग क्या करोगे,
आप यहाँ पे इस किसी तरह इन तीन टर्म पे ना फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, वो ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दरम्यान में आपको चाहिए टू अल्फा बीटा। अब टू अल्फा बीटा आप अपनी तरफ से ऐड कर दो, मैंने यहां पे अपनी तरफ से ऐड कर दिया टू अल्फा बीटा, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, यहां पे मौजूद नहीं था, मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, फिर बीटा स्क्वायर में जगह पे लिखो। अब जब मैंने अपनी तरफ से टू अल्फा बीटा किया है तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, जब मैंने अपनी तरफ से पॉजिटिव टू अल्फा बीटा ऐड किया है तो नेगेटिव टू अल्फा बीटा भी करना पड़ेगा। वो वाला नेगेटिव टू अल्फा बीटा और ये जो ऊपर नेगेटिव है ये आपस में ऐड होंगे तो ये माइनस थ्री अल्फा बीटा हो जाएगा। वैसे सेंस भी बनती है, टू अल्फा बीटा माइनस थ्री अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा, लेकिन इस तरह अगर समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये काम आपने बहुत किया है 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 में भी और क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपने किया है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका सवाल हल हो जाएगा फौरन। कैसे? ये शुरू की तीन टर्म जो है ये पूरा फॉर्मूला बना रही है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और अगेन ये जो आखिरी की टर्म है इसको अपने जवाब पे लिख दो, ये भी मसला नहीं करेगी क्योंकि आपको अल्फा बीटा की भी वैल्यू पता है। तो अब वक्त आ गया कि आप वैल्यूज पुट कर दो। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप पुट करो अल्फा प्लस बीटा की जगह पुट कर दो माइनस क्यू अपॉन पी। अच्छा फिर अंदर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो अंदर हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर, फिर है माइनस थ्री अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आर अपॉन पी, तो हो जाएगा माइनस थ्री आर अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस क्यू अपॉन पी जो है ये आप अपनी जगह पे रहना, तो बाहर जो मौजूद है अंदर जो है उसमें सिंप्लीफिकेशन कर लो, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ये हो जाएगा थ्री आर अपॉन पी। ब्रैकेट के अंदर आपके पास एलसीएम आ रहा है पी स्क्वायर, तो जरा पी स्क्वायर आप एलसीएम ले लो, यहां पे तो एग्जैक्ट ऊपर आ जाएगा क्यू स्क्वायर, यहां पे जस्ट पी मौजूद है तो एक पी जो है वो ऊपर से मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये पी आर हो जाएगा। दैट्स इट। उसके बाद अगर आप करना चाहो तो ये कर सकते हो फाइनल स्टेप के माइनस क्यू ऐसी रहने दो, न्यूमिनेटर में बाकी क्या मौजूद है क्यू स्क्वायर माइनस थ्री पी आर, डिनोमिनेटर में p को p से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो पी क्यू हो जाएगा। दैट्स इट, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप माइनस क्यू को मल्टीप्लाई करो तो मर्जी कॉमन लेने वाला काम ज्यादा अच्छा होता है, पता है आप कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लेते हो, तो कॉमन फॉर्म में है तो ऐसे ही रहने तो अच्छा लगे, चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर दो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की। तो ये जो है ये बुक से हटके आ रहा था तो मैंने आपको करवा दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 के डिफरेंट पार्ट है जो एग्जाम में आए हैं जो बुक में नहीं है तो मैं आपको करवाऊंगा। अब इसमें और क्वेश्चन नंबर 9 में फर्क क्या होता है, इसमें ना आपसे सवाल बोला जाता है कि वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट नहीं मैं कंफ्यूज होता था अपनी बारे में, सिंपल सी बात है। तो तभी मैं आप लोगों को अच्छा इसलिए, मतलब मेरी टीचिंग अच्छी इसलिए भी है क्योंकि मुझे याद है कि मैं क्या क्या मसले होते थे, तो मसले सारे मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं तो वो आप लोगों के इश्यू खत्म हो जाते हैं। तो मुझे कंफ्यूजन ये होती थी कि इस क्वेश्चन नंबर 2 जो है और क्वेश्चन नंबर 9 जो है में फर्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे वैल्यूज निकालने को बोला जाता है, भाई 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकाल लो, तो आप सिंप्लीफाई करते हो बस पुट करते हो आपके पास आंसर आ जाता है, या कोई भी आपके पास आ जाएगा आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे। 9 में सवाल ये होता है कि भाई अगर इस इक्वेशन के ये रूट है तो आप एक और इक्वेशन बनाओ जिसके फना फना रूट है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो मेजर फर्क इन दोनों में ये है कि इसमें आप जस्ट वैल्यूज निकाल रहे होते हो जो तरीके आपने पढ़े हुए, और क्वेश्चन नंबर 9 में आप इक्वेशन निकाल रहे होते हो। अब कैसे इक्वेशन निकालोगे वो आपने देखना है कि कौन कौन से रूट्स गिवन है, उसके मुताबिक आप सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हो, फिर आपके पास इक्वेशन आ जाती है। जरा उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसके क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। अब तरीका देखो सबका सेम ही है, मैं एक सवाल करवाता हूं उसके बाद में आपको बताता हूं कि कॉन्सेप्ट सबका सेम ही होता है। दरअसल मैं पेन चेंज कर लूं अपना, थोड़ा हल्का हो रहा है वो, ये चल तो रहा है सही। अच्छा बच्चों, आपको सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा ये, एटलीस्ट मैंने जो अपने पास लिखा हुआ है मैं देख लेता हूँ किस ईयर का है वो,
2009 में 5 का पार्ट ए है ना। हाँ, 2009 में आपको एक ऐसा सवाल मिलेगा जो बुक में आपको नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 9 के 5 पार्ट हैं, लेकिन उसमें से ये वाला पार्ट आपको नहीं मिलेगा। तो नंबर मैं लिख देता हूं 2009, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए है, लॉन्ग में आया, बताइए। ठीक है, देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले जो उन्होंने तमहीद बांधी हुई है ना, उसका मैं आपको आंसर बता देता हूं। गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन गिवन है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बिल्कुल गिवन है। तो इसमें जो रूट है वो क्या है, सम ऑफ रूट है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, ये आपको पता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो सी अपॉन ए होता है, ये आपको पता है। ठीक है, इसमें इक्वेशन एबीसी की फॉर्म में, तो आपको बस यहीं तक आप लिखोगे एबीसी की वैल्यूज क्या होंगी, क्योंकि इक्वेशन अगर पी की आर की फॉर्म में होती तो फिर आप उस हिसाब से करते हैं। अब आपको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालनी है ना, सवाल में लिखा हुआ है, मतलब गिवन ये है कि लेट कर लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है वो अल्फा और बीटा है, आप एक इक्वेशन निकालो जिसके रूट है अल्फा प्लस वन डिवाइड बाय अल्फा, बीटा प्लस वन डिवाइड बाय बीटा, आप उस वाली इक्वेशन की इस वाली मतलब वो इक्वेशन फाइंड करो। तो यहां पे लेट कर लो, लेट अल्फा वन एंड बीटा वन बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। कंफ्यूजन से बचने के लिए हम ये वाला मेथड यूज कर लेते हैं कि इस वाली इक्वेशन के रूट थे अल्फा और बीटा, और उस वाली इक्वेशन के रूट क्या है अल्फा वन और बीटा वन, दो नाम हमने दे दिए। अब सवाल में लिखा हुआ है कि अल्फा वन जो है वो बराबर है अल्फा प्लस वन डिवाइड बाय अल्फा, बीटा वन बराबर हो जाएगा बीटा प्लस वन अपॉन बीटा। ये अल्फा वन बीटा वन शो कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट, ठीक है, और उसके रूट क्या है ये दोनों सामने मैंने लिख दी है। अब यही सवाल हम उसमें करते थे, ठीक है, जो बुक के क्वेश्चन थे उसमें भी यही स्टेप होते थे, मैं यही आप लोगों को करवा रहा हूं, कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। आप दो काम करते थे, आप सम ऑफ रूट निकालते थे रिक्वायर्ड इक्वेशन के, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते थे रिक्वायर्ड इक्वेशन के। तो सबसे पहले आप सम ऑफ रूट निकालो अल्फा वन प्लस बीटा वन, तो इन दोनों को आप आपस में ऐड कर दो। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम यहां पे है अल्फा बीटा, ये बीटा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा, और यहां पे अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। सिंप्लीफाई करें तो काफी इजी सवाल हो जाएगा, आप अल्फा बीटा अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएंगे टू अल्फा बीटा, और इस अल्फा प्लस बीटा को अपनी जगह पे लिख दो, तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये वाला अल्फा ये वाला बीटा आपने एक साथ लिख दिया, और अल्फा बीटा ये क्या हो जाएगा टू अल्फा बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है अल्फा बीटा अपने जगह पे, तो ब्रैकेट लगा दो सारी हो जाएगी। अब आपको कोई इसमें मसले नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, कुछ चेंजिंग करने की कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करवाने की जरूरत नहीं है, या तो आपके इसमें अल्फा प्लस बीटा आ रहा है अल्फा बीटा आ रहा है, दोनों की वैल्यूज आपको पता है सवाल में, तो आप पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा यहां पे क्या है माइनस बी अपॉन ए है, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट में पुट कर दो माइनस बी अपॉन ए प्लस टू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है सी अपॉन ए, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा अगेन अल्फा बीटा क्या है सी अपॉन ए। अच्छा मैं कितनी दफा ख्याल नहीं रखता ब्लू ब्लैक का, जो मुझे इजी लगता है मैं शुरू हो जाता हूँ वहां पे, लेकिन आप लोग एक थोड़ा मेंटेन कर लेना, मेंटेन मतलब सवाल जो है वो आपने ब्लैक से कर दिया, सॉल्यूशन आप ब्लू से कर लेना, ठीक है, लेकिन दरमियान में कोई वर्डिंग अगर लिखना चाह रहे हो तो उसको आप ब्लैक से लिख लेना, तो इस तरह मेंटेन रखना, ज्यादातर कोशिश करना ब्लू से लिखना, मेरे पास अपने ब्लू खत्म हो गई है तो इसलिए मैं कम कम यूज कर रहा हूँ उसको, तो इसलिए, लेकिन आप लोग इस चीज का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, माइनस बी अपॉन ए प्लस टू सी अपॉन ए, और नीचे क्या है सी अपॉन ए, ऊपर तो बड़ा इजी तरीका है, आपके पास एलसीएम भी ए आ रहा है, यहां से आ जाएगा माइनस बी, यहां से आ जाएगा टू सी, नीचे है सी अपॉन ए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आपके पास अल्फा प्लस अल्फा वन प्लस बीटा वन की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस टू सी डिवाइड बाय सी, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए जो है वो आपने कैंसिल कर दिया। अब दूसरा काम आपने यहां पे क्या करना है वो है अल्फा वन बीटा वन, मतलब इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो अल्फा वन है अल्फा प्लस वन डिवाइड बाय अल्फा, बीटा वन है बीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय बीटा,
तो जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, अल्फा को बीटा से करो अल्फा बीटा, अच्छा अल्फा को वन से करो अल्फा, वन को बीटा से करो बीटा, और वन को वन से करो वन आ जाएगा, और नीचे अल्फा को बीटा से करो तो अल्फा बीटा हो जाएगा। अगेन बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, और वन तो खैर उसकी वैल्यू क्या होगी। तो पुट कर दो सब, अल्फा बीटा है सी अपॉन ए प्लस, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी अपॉन ए, और प्लस वन ये अपने जवाब है, और नीचे क्या है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अगेन सी अपॉन ए के बराबर है। सॉल्व करो, ए ऊपर सी आ जाएगा, यहां से बी आ जाएगा, और यहां पे ए आ जाएगा, अगेन नीचे सी अपॉन ए है, ए से ए कैंसिल, तो आपके पास आ रहा है, तरतीब से लिख देते हैं ए माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी, यह आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। जब आपके पास सम ऑफ रूट आ गया, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, अब आपको निकालनी होती है इक्वेशन, ठीक है, उसके लिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहां पे इक्वेशन निकाल लेता हूं। असल चीज ये है कि आपको ये काम करना पड़ता है, बस ये जो आप काम कर रहे होते हो ना सम ऑफ रूट के प्रोडक्ट ऑफ रूट, अगर ये सही आ गया तो मसला खत्म, ये असल क्रूशियल चीज होती है इसके अंदर। तो वी नो दैट रिक्वायर्ड इक्वेशन हूज रूट्स आर अल्फा वन एंड बीटा वन इज, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी हमारी जो हमें निकालनी थी अल्फा वन बीटा वन जिसके रूट थे वो क्या होगी आप लोगों को पता है, वो ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस आप अंदर लिखते हो सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो वैल्यूज पुट कर दो यार, यहां पे सम ऑफ रूट की वैल्यू आई है माइनस बी प्लस टू सी अपॉन सी एक्स, और प्रोडक्ट की वैल्यू आई है ए माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाय सी इक्वल जीरो। याद रखो इक्वेशन में हम फ्रैक्शन यूज नहीं करते, सिंप्लीफाई कर लो पूरी इक्वेशन को, आप मल्टीप्लाई करवा दो सी से, तो इससे जब सी मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, इससे जब सी मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला सी कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा माइनस बी प्लस टू सी एक्स, और इससे सी मल्टीप्लाई होगा अगेन इसका सी कैंसिल हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये है आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन, इस तरीके से आप इक्वेशन मालूम करोगे। तो ये वो सवाल है जो पास्ट पेपर्स में बहुत दफा आया है, ऑलमोस्ट हर ईयर आता है डिफरेंट, या तो बुक को भी फॉलो करते हैं वो, और कभी आपको वो ज्यादातर बुक से हटके वो दे रहे होते हैं। तो जितने 11 ईयर में आए हुए वो सब मैं करवा दूंगा, उन्हीं में से एक मुश्किल वाला पार्ट ये था, बाकी काफी इजी इजी आए हुए होते हैं, जरा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा मेथड मैंने पूरा बता दिया, मेथड मैंने पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में, अभी दोबारा बता दिया, लेकिन दोबारा मैं इतने प्यारे प्यारे मेथड से नहीं करवाऊंगा, जो असल चीज है ना यहाँ पे कि आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है, तो मैं कन्वर्ट करने की फॉर्म तक आपको बता दूंगा। वैल्यूज पुट करना, सिंप्लीफाई करना, ये बेसिक अलजेब्रा है, इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना कि बस अब तो वैल्यूज पुट करनी है, उस फॉर्म तक मैं आपको हर पार्ट कन्वर्ट करके दे दूंगा, ठीक है।